राज में किसी वेद पंडित को बुलाइए, अपने बच्चे का नाम कर दीजिए महाराज। दोनों साहबों खुश खुश राज चल पीछे। ए महाराज क्या रे रे बच्चे का लो नाम रखो रे घोचू। पंडित को बुलाने में देर हो जाएगा, मैं अपने पुत्र का अपनी से नाम रखेंगे, उसका नामकरण करेंगे। नाम रखेंगे तुम रख लेगा? नहीं नहीं बाबू, छह महीना से पहले सोच के रखे हैं। क्या सोच के रखा है? महारानी जी बेटा हो या बेटी, नाम मैं बाबू हम ही रखे हूँ। महावत्री अगर तुम सोच करके रखे हैं, चलो बेटा तुम ही नाम रख रख। महाराज हो हाँ हाँ छोड़वा नाम यहाँ रखो ना, ये गाँव में खो बच्चा वह नाम नहीं से जिस प्रकार इस राज में आपका नाम बिकता है उसी प्रकार छोड़वा नाम मार्केट में बिकता, किलो दो किलो पाँच किलो नाम बिकता है। तोरा नहीं बिके नहीं बिकता छोड़वा नाम से की रखो क्या नाम रखे छोड़वा नाम रखे दो भट्टा में गए बैगन है ज्यादा तुम्हें नाम रख रखने था हम नाम रख रहे हैं। पुत्र का नाम रखने जा रहा हूँ, इसका नाम रहेगा ताकि पूरे रंगपुर शहर जितने व्यक्ति है हर एक जवान और इसका नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा ओहो उत्तम कुमार। हे महाराज तीनों बापू एक लवांग मुड़ लो छू रे घोचू बाबूला लाग से ये नाई का कैसे पूरा हो गया? नहीं मुड़ लो नहीं हो कैसे हो बताओ। इस राज का नाम है उत्तमपुर सर। हाँ हाँ आपका नाम है राजा उत्तम पासी। बिल्कुल सही। छोड़वा नाम रख लो उत्तम कुमार, तीनों नाम ले जाओ। रे घोचू एक नाई का मोड़ा नहीं है, एक राशि हुई राशि हो। हाँ मैंने कुछ पूछा समझे छो राशि नहीं समझता है चलो अपने पुत्र को मैं सोने की झूला पर झुलाएंगे और इस पुत्र को रोड़ी खाकर सुनाना महाराज। क्या रहे रहे? आज खुशी की बात है। हाँ महाराज इस राज में आपको कोई अपनी पुत्र नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि महारानी जी माँ बन गई है कहने की बात है और आप पिताजी बन गए हैं। हाँ महाराज और हम दादाजी बन गए हैं। दादा बनने का सपना दिखता है। चलो महाराज ठीक है स्वामी जी, हम प्रणाम चलते हैं। हेलो नहीं आके खुलवा किया ये सुन जब से फूले लेंगे किया ये सुन जब से फूले लेंगे नहीं आके खुलवा आये सुन जब से Thank you.
पहले।